अफसोस हुआ, मैंने एक जगह देखा डिस्पोजल प्लेट, बड़ा सा प्रोग्राम हो रहा था वहां, उसमें पहले तो चावल रखा, फिर दाल डाल दिया, फिर उसके ऊपर सब्जी डाल दी, फिर उसके ऊपर रोटी रख दी, कहा जा रहे बाबा को भोग लगाने से, तो खा सकते हैं। तुम्हारी इन सब्जी रोटी चावल का भूखा नहीं है, वो किसका भूखा है? उसमें बाद में दिखाई देगी, लेकिन भोग लगाना कोई काम होता है नहीं, कि ब्राह्मण परिवार की प्रथा है भोग लगाकर ही खाएंगे, काम उतारो नहीं, तुम्हारा ऐसा भोग नहीं चाहिए उसको, उसको केवल भावना प्रदान, भले तुम कुछ भी ना, एक फूल भी रखो तो उसमें इतनी भावना कर दो कि वो भूखा भगवान उस फूल में से भी भावना लेकर के तृप्त तो हो जाए, आनंदित तो हो जाए। भावना का होना जरूरी है, काम उतारना नहीं। खूटी पे बाबा लेटा है, नीचे थाली पटक दी, क्या क्या बाबा को भोग लगा दिया, अपने घर के सदस्यों को भी चार बार जाके पूछते हैं, सब्जी चाहिए, रोटी चाहिए, कुछ और चाहिए, बाबा के पास 5 मिनट भी बैठने का वक्त नहीं हमें, कि हम 5 मिनट तसल्ली से इत्मीनान से बैठे तो सही। इसी तरह से एक बार बाबा ने कुमारों की बट्टी की, मधुबन में सभी भारत से कुमार आए थे, बाबा भी मिलने आए, बाबा बहुत गहरी गहरी बातें कुमारों से कर रहे थे, अचानक बाबा की लहर बदली, क्योंकि लहर ही बाबा है, वो तब लहर बदलते कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए बाबा का एक नाम क्या है, लहरी बाबा, उसकी लहर बदलती रहती है। बाबा ने कहा कुमार बच्चे भी बाबा को बहुत प्यार करते, हम भी पीछे पीछे बैठे थे, कम से कम 15 साल पहली बात होगी, तो बाबा ने कहा जो कुमार बच्चे हैं ना, जो घरों से बाहर रहते हैं, बाहर का तो वो खाते नहीं, खुद बनाते हैं, पर बाबा को इतना प्यार करते हैं कि बाबा को भूख लगाए बिना नहीं खाते। फिर बाबा मुस्कुराए, कुमारों को दृष्टि दी, फिर बाबा ने कहा पता है बच्चे भूख कैसे लगाते हैं, तो परमिशन भी बता दो, बता दू, तो सबने कहा हाँ बाबा बताओ, तो बाबा ने कहा कुमार बिजी बहुत होते, खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं होता, रोटी चपाती से मुक्त रहते हैं, पुलाव खिचड़ी पुआ सबसे फेवरेट खाना होता है उनका, कुकर में सीटी लगाएंगे, फिर ढक्कन खोलेंगे और कुकर ही बाबा के सामने रखेंगे, बाबा इसमें खा लेंगे, बिजी बोल तू, बाबा भी ऐसे ही रहते जैसे आप उसे। बाबा ने कहा बच्चे को कितना भी बिजी क्यों ना हो, खुद कुकर में खाएगा क्या, अपने लिए तो प्लेट में निकालेगा कि नहीं निकालेगा, नहीं तो जब बच्चा नहीं खा सकता कुकर में तो बाबा कैसे खाएगा, खा सकता है क्या, नहीं खा सकता, तो बाबा का इशारा था ये कि देखो कुमार भोग तो लगाते पर तरीका क्या है, और इंडिया में सभी स्टेट में सभी बड़े सेंटर्स को ये क्लास मैंने कराई है, हर सभा में से एक दो कुमार जरूर मिलते हैं, कहते हैं बहन जी हम भी ऐसे लगाते हम भी कुकर में ही भोग लगाते थे, जब बहुत ज्यादा बिजी होते जल्दी में होते बाबा के सामने कुकर ही रखते थे, तो केवल भोग स्वीकार ही नहीं करता, उसकी निगरानी में भोग बनता भी है। एक बार किसी सब्जी में नमक डालना भूल गए, फिर भोग की थाली गई, फिर बाबा मुस्कुराए, बाबा ने थाली पकड़ी नहीं, बाबा ने कहा बच्चे जाकर चखो और देखो गलती कहां हुई है, फिर से थाली वापस आए, फिर भंडारी के पास पहुंचे कि बाबा ने आज भोग नहीं लिया, बोला कुछ तो गलती है, चखो पहले से, तो जो निमित्त आत्मा की उसने चखा तो एक सब्जी में नमक नहीं था, तो उसकी निगरानी में बना या नहीं बना, नमक डालना भूल गए, बच्चों को नहीं पता